हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बीम, स्लैब और कॉलम में लैप लेंथ क्या लिया जाता है। जो लैप्स होता है वो कॉलम या बीम में स्टेगर्ड दिया जाता है। स्टेगर्ड मतलब कि आगे पीछे, जैसे कि मान लो कि मेरा ये कॉलम है, सर्कुलर कॉलम मान लो है, सर्कुलर कॉलम है, एक बार ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये जो बार्स हैं इसमें मान लो कि इसकी जो लेंथ है, एक बार की लंबाई है 1500 यानी 1.5 मीटर, दूसरी बार जो है वो है 2.5 मीटर, तीसरी बार जो निकली हुई है ये मान लो आप है फिर 1.5 मीटर, ये जो निकली है ये मान लो है 2.5 मीटर, फिर ये 1.5 मीटर और ये है 2.5 मीटर। मतलब कि हमारी जितनी बार्स हैं स्टेगर्ड है, मतलब ऐसे निकली हुई है। ये 2.5 मीटर वाली है, इसके बाद 1.5 वाली है, फिर 2.5 मीटर वाली है। मतलब मेरा जो लैप होना चाहिए वो स्टेगर्ड होना चाहिए। अगर लैप एक पास आता है, मान लो 2.5 मीटर की सारी बार्स एक समान निकली हुई है, अगर लैप एक ही जगह पे तीनों बार्स में आता है तो यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा इंड्यूज होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉलम जो होता है वो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें स्टेगर्ड रखना चाहिए, कम से कम 1 मीटर, 1 मीटर का डिफरेंट होना चाहिए हर बार्स में। यस, 2.5 है ये 1.5 है, यानी 1 मीटर का इसमें डिफरेंट है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ जो होता है एल डी इक्वल टू होता है फैक्टर इनटू डायमीटर ऑफ बार, बार्स। अब फैक्टर कैसे लिया जाता है? फैक्टर जो होता है, फैक्टर लेने, फैक्टर हम कंक्रीट ग्रेड के अनुसार लेते हैं। मान लो कंक्रीट ग्रेड मेरा है M25, तो इसमें फैक्टर जो होगा मेरा 50D होगा। अगर मेरा कंक्रीट है M30 का तो उसका फैक्टर होगा 45D। अगर मेरा फैक्टर है M35 एंड एवव, यानी M35 है या फिर M35 से एवव है, तो वहाँ पे हम लेंगे 40D। ओके, तो हम जैसे मान लो कि हमारी जो कॉलम की सरिया है इसका डाया है मान लो 20 डाया की सरिया लगी हुई है। अब यहाँ पे हम जो लैप करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 इंटू डाया। अब ये डिपेंड होना चाहिए कि ये जो हमारा कॉलम है वो ग्रेड कौन सा है। मेरा कॉलम जो है वो मान लेते हैं हम कि M30 ग्रेड की कंक्रीट वहाँ पे होनी है, इसलिए इसमें अब कितना फैक्टर लगेगा, यहाँ देख लो M30 में 45D लगेगा, यानी 45 इंटू 20, यानी 45 इंटू 2, यानी 900 mm का जो है हमें इसमें लैप देना होगा। अब हम वर्टिकल कैसे बनाते हैं? वर्टिकल हम इस हिसाब से बनाते हैं कि मेरा जो ये स्टेगर्ड है बना रहे, जैसे मान लो 2.5 मीटर हमारी बड़ी सरिया है और 1.5 मीटर की छोटी सरिया है। अब इसमें हम लैप जो देंगे, कम से कम लैप कितने का काटें कि ये जो चीज़ है वो मेरा ऊपर बना रहे, मान लो 4.05 या फिर 4 मीटर मेरा जो है स्लैब लेवल है, 4 मीटर जो है वो मेरा स्लैब लेवल है। तो हम क्या करेंगे, 4 मीटर में 900 जो मेरा लैप लेंथ आता है उसको ऐड कर देंगे, यानी 4900। अब हम 4900 की सरिया जो है कटवाएंगे, वो इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो जो मेरा ये है इस समय लैप, जो 2.5 मीटर और 1.5 मीटर का सरिया निकला हुआ है, यही चीज़ हम स्लैब कास्टिंग होने के बाद भी पाएंगे। इसी हिसाब से हमें लैप लेंथ लैप करने के लिए सरिया देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ी में हम 3 मीटर दे दिए, छोटी में 4 मीटर दे दिए, ऊपर जाके मेरा जब लोअर लैप होता है वो गड़बड़ हो जाता है। एक समय ऐसा आता है
कोई बराबर हो जाता है, नहीं तो ऐसा होगा छोटी सरिया बड़ी वाली सरिया से 200-300 mm छोटी होगी, इससे मेरा स्ट्रेंथ कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।